हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ममता सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में एमएससी कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका यूनिट वन का पार्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन का पार्ट टू वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। पार्ट वन में हमने डेटा डिक्शनरी, DFD और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। इसका हाफ पार्ट आज की वीडियो में हम देखते हैं, तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है ER डायग्राम। ER डायग्राम दैट मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये डायग्राम आर यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ड्यूरिंग द प्लानिंग स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के प्लानिंग फेज में ER डायग्राम का यूज़ किया जाता है। यह डायग्राम उसमें कितनी एंटिटीज़ हैं, उनके बीच क्या रिलेशंस हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसको एट ए ग्लेंस रिप्रेजेंट करता है। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सिस्टम एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर। इट इज़ ऑफन यूज एज द बेसिस फॉर डेटा फ्लो डायग्राम। पार्ट वन में आपने डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है देखा था कि उसका बेसिस प्रोवाइड करता है। ER मॉडलिंग इज अ डेटा मॉडलिंग मैथड यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस अ कंसेप्चुअल डेटा मॉडल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंसेप्चुअल डेटा मॉडल को रिप्रेजेंट करता है। पर्पस ऑफ ER डायग्राम क्यों बनाया जाता है? The database analyst gains a better understanding of the data to be contained in the database through the step of constructing the ERD. ERD के माध्यम से कोई भी जो डेटाबेस एनालिस्ट होता है वो डेटा कैसा है उसके बारे में डिटेल जान सकता है, जानकारी लेता है और उसको सॉफ्टवेयर डेवलप करने में हेल्प होती है। The ERD serve as a documentation tool. एक प्रकार का हम इसे डॉक्यूमेंटेशन टूल कह सकते हैं। इसको देखकर हम आगे SRS प्रिपेयर कर सकते हैं। SRS प्रिपेयर करने में हेल्प करता है हमें। फाइनली द ERD इज़ यूज टू कनेक्ट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस टू यूजर्स। यूज़र को वो एक्सप्लेन करता है कि लॉजिकल डेटाबेस कैसा होगा। कंपोनेंट्स ऑफ ER डायग्राम। ER डायग्राम कैसे बनता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो फर्स्ट इज एंटिटी। An entity can be a real world object, either animate or inanimate, that can be merely identifiable. इसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि एंटिटी, आप समझिए जैसा है कोई, आपने कोई डेटाबेस है आपका, यूनिवर्सिटी का कोई डेटाबेस है, तो यूनिवर्सिटी डेटाबेस में आपने टेबल रखा है टीचर, एम्प्लॉई, स्टूडेंट्स, ऐसे करके आपने तीन चार टेबल रखा है, तो टेबल का जो नाम है दैट इज एंटिटी। और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अगर बोलते हैं तो सारी चीज़ें, जो भी एक टेबल भी है वो भी एंटिटी है, एक फ़ैन है वो भी एंटिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसका एट्रीब्यूट होता है। तो हम टेक्निकल टर्म में समझेंगे कि किसी भी डेटाबेस में जितने भी टेबल होते हैं वो टेबल उसकी एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अ स्कूल डेटाबेस स्टूडेंट, टीचर, क्लासेस, कोर्सेस कैन बी ट्रीटेड एज एंटिटीज। एंटिटी सेट, जैसे एंटिटी होता है, अगर हम सेम सिमिलर टाइप की एंटिटी का सेट हो तो उसे हम एंटिटी सेट कह सकते हैं। जैसे अ स्टूडेंट सेट में कंटेन ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल, लाइक वाज अ टीचर सेट में इंक्लूड ऑल द टीचर ऑफ अ स्कूल फ्रॉम ऑल फैकल्टीज। एट्रीब्यूट्स, इसका दूसरा कंपोनेंट है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर एंटिटीज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आर डिनोटेड यूटिलाइजिंग देयर प्रॉपर्टीज। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव वैल्यूज। सभी एट्रीब्यूट्स के कुछ वैल्यूज होते हैं। जैसे कोई आपका एक एंटिटी है स्टूडेंट, तो उसका एट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, क्लास, मार्क्स, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसकी हम एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। जैसे कोई टीचर एंटिटी है तो उस टीचर एंटिटी के एट्रीब्यूट होंगे टीचर ID, टीचर नेम, डेजिग्नेशन एटसेट्रा। रिलेशनशिप थर्ड कंपोनेंट है ER डायग्राम का। रिलेशन, रिलेशन क्या बताता है कि दोनों एंटिटीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। द एसोसिएशन अमंग एंटिटीज़ इज़ नोन एज रिलेशनशिप।
Relationship are represented by the diamond shaped box. For example, an employee works at a department, a student enroll in a course. हम आगे आपको बताएंगे कि ER diagram से कैसे हम relationship को diamond shape से represent करते हैं और दो entities के बीच में क्या relation है इसको वो show करता है. ये डायग्राम आप देख सकते हैं. ये ER डायग्राम है एक स्टूडेंट और कॉलेज के बीच का. आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट एक एंटिटी है और कॉलेज एक एंटिटी है. तो एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ किया जाता है. तो रेक्टेंगल बॉक्स में स्टूडेंट और कॉलेज लिखा हुआ है. आप स्टूडेंट की जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम एलिप्स में लिखते हैं, ओवल शेप में लिखते हैं, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस. सिमिलरली कॉलेज का जो एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, जैसे कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम, उसको भी ओवल शेप में लिखा गया है. अब स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशन है? स्टूडेंट स्टडी इन कॉलेज, तो रिलेशनशिप का हमने नाम दिया स्टडी इन. इसी प्रकार से आप डिफरेंट टाइप के ईआर डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो भी है उसके एंटिटीज बनाकर उसके बीच हमें रिलेशन दिखाना होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जब भी यूज़र किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को ऑर्डर करता है सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, चाहे वो डेवलपर हो या कंपनी के थ्रू ऑर्डर करता है, तो उसे अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि उसे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो कौन कौन सी सर्विसेज पूरी करेगा, सिक्योरिटी कौन सी होना चाहिए, ऑथराइजेशन उसमें क्या होना चाहिए. तो इन सबको वो एक लिखित रूप में डॉक्यूमेंट बनाकर डेवलपर को देता है. तो इसमें कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो आगे हम देखते हैं. टाइप बताने से पहले आपके बताना चाहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से पीपल इन्वॉल्व होते हैं. तो फर्स्ट द कस्टमर. द कस्टमर इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स. द कस्टमर नीड्स आर ओरिजिन ऑफ द प्रोजेक्ट. कस्टमर सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर उसी के लिए बनाया जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. द बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स एंड डिटरमाइनिंग द सोल्यूशन. बिजनेस एनालिस्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स या रिक्वायरमेंट के लिए और उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए. देन द प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. प्रोजेक्ट मैनेजर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द सिस्टम एनालिस्ट यूजेस एनालिसिस एंड डिज़ाइन टू सेटिस्फाई बिजनेस रिक्वायरमेंट यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग के माध्यम से जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आई हैं उनको फुलफिल करता है. द मार्केटिंग मैनेजर डेवलप्स द मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द प्रोजेक्ट इन लाइन विथ इट्स रिक्वायरमेंट. मार्केटिंग मैनेजर का काम होता है कि उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी स्ट्रेटजीज हों जो आगे उसके डेवलपमेंट में काम आए, उसके प्रोडक्शन तो हो गया, बन गया, पर उसको पॉपुलर होने के लिए मार्केटिंग की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्ट्रेटजी डेवलप करे जिससे वो पॉपुलर हो. द प्रोडक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफाइनिंग द वाई व्हेन एंड व्हाट ऑफ द प्रोडक्ट दैट द डेवलपमेंट टीम विल बिल्ड. जो फाइनली डिफाइन करता है कि क्या प्रोडक्ट बना है, क्यों बना है, कैसे बना है, किसके लिए बना है, और वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं जो उसे स्टार्टिंग में बताई गई थी. टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं. जैसे बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन को हम बिजनेस नीड स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं. किसी भी बिजनेस के लिए जो उसका रिक्वायरमेंट होता है उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करना रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कहलाता है. इट Details the problem that a product service system is trying to solve by logically listing high level business requirement in relation to customer needs. Customer की need को पूरा करने के लिए जो आपकी requirement document बनेगा
वो बहुत सही बनना ज़रूरी होता है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारी सही नहीं है तो बनने वाला सॉफ्टवेयर भी राइट नहीं बन सकता। एज वेल एज नॉन नेगोशिएबल इट ऑल्सो डिटेल्स फीचर्स द प्रोजेक्ट शुड प्रोवाइड विच कैन बी इंटरप्रिटेड एज गोल फॉर द डेवलपमेंट टीम। इसका मतलब है कि ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए कि जो चीज़ में डाल दी गई कि हाँ ये होना चाहिए सिस्टम में, जो आप सिस्टम डेवलप करके दे रहे हैं तो वो होना ही चाहिए, उसमें कोई नेगोशिएबल वाला बात नहीं चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, एन आउटलाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है क्या क्या चीज़ें हैं ये आपको बता रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आउटलाइंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट किसके लिए है, प्रोजेक्ट कहाँ से हम समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया जा रहा है, अ नीड स्टेटमेंट डिटेलिंग व्हाई द प्रोजेक्ट इज नीडेड एंड हाउ इट विल मीट दोज नीड्स। इसमें बताया जाता है कि क्यों प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और वो कैसे उस आवश्यकता को, उस नीड को पूरा करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेमोंस्ट्रेटिंग हाउ द प्रोजेक्ट विल बी फंडेड एंड इट्स इफेक्ट ऑन द कंपनी बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको पता है फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, तो प्रोजेक्ट को फंड कौन कर रहा है, मनी कौन प्रोवाइड कर रहा है और उस कंपनी के बैलेंस शीट पर उसका प्रभाव क्या होगा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड फीचर्स, पर्सनल नीड्स, शेड्यूल, टाइमलाइन एंड डेडलाइंस कि कब बनाना है, कितने टाइम पे बनाना है, लास्ट डेडलाइन क्या है एंड फाइनली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि वो सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड विथ इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो भी हम सॉफ्टवेयर के लिए ऑर्डर करे हैं वो कैसा होगा, किस सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज देगा, वो सारी रिक्वायरमेंट चाहे वो फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल हो, वो सारी रिक्वायरमेंट का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और वो डॉक्यूमेंट डेवलपर को दे दिया जाता है। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ बहुत सारे जो इंडस्ट्री में और दूसरे लोग भी होते हैं वो अलग अलग पर्पज़ से इस SRS का यूज़ करते हैं। आप जैसे MSc के स्टूडेंट हैं या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले आपको SRS बनाने बोला जाता है। उस समय हमें समझ में नहीं आता कि SRS क्या होता है, तो बेसिकली आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट बना रहे हैं, स्कूल मैनेजमेंट बना रहे हैं, कॉलेज के लिए बना रहे हैं, तो वो क्या पर्पज़ को फुलफ़िल करेगा, उसका पर्पज़ क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, सर्विसेज क्या रहेंगी, क्या सर्विसेज नहीं रहेंगी, दैट मीन्स उसका लिमिटेशन क्या है, बाउंड्री क्या है, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्पेसिफाई करना ही SRS रिपोर्ट बनाना होता है। अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट कैप्चर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ द सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। उस SRS के कुछ प्रॉपर्टीज होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज करेक्टनेस। यूजर रिव्यू इज यूज टू प्रोवाइड द एक्यूरेसी ऑफ रिक्वायरमेंट इन द SRS। SRS इज सेड टू बी परफेक्ट इफ इट कवर्स ऑल द नीड दैट आर ट्रूली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर किसी सिस्टम से जो चीज़ें एक्सपेक्ट की गई थी और वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो उस मायने में वो सॉफ्टवेयर करेक्ट माना जाएगा। दैट मीन्स यूज़र का जो रिव्यू है कि जो चाहिए था वो मिला कि नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर वो सारा चीज़ मैच कर जा रहा है दैट मीन्स योर सॉफ्टवेयर इज़ करेक्ट। कम्प्लीटनेस। कम्प्लीटनेस ऑफ सॉफ्टवेयर SRS इंडिकेट्स एवरी सेंस ऑफ कम्प्लीशन इंक्लूडिंग द नंबरिंग ऑफ ऑल द पेजेस, रिजॉल्विंग द टू बी डिटरमाइंड पार्ट्स टू एज मच एक्सटेंट एज पॉसिबल एज वेल एज कवरिंग ऑल द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट प्रॉपरली। कम्प्लीटनेस मतलब उस SRS में जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसके हर एक पहलू को
कवर किया गया है या नहीं किया गया है, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस से लेकर उसके पार्ट्स क्या होंगे, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सब SRS में है या नहीं है। देन कंसिस्टेंसी, द SRS इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। कंसिस्टेंसी का मीन्स होता है कि कुछ भी ऐसी बातें उसमें ना हो जो दूसरी बातों को कॉन्फ्लिक्ट करती हो, विवाद उत्पन्न करती हो, तो हमारा SRS हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अनएम्बिग्यूनेस, SRS इज अनएम्बिग्यूस व्हेन एवरी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन। अगर हर एक रिक्वायरमेंट से जो उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है वो एक समान ही निकलना चाहिए। वो एम्बिग्यूस हो सकती है अगर एक ही चीज़ दो अलग अलग बातें कहता है तो हम उसे एम्बिग्यूस कहते हैं। तो हमारा जो SRS होता है वो अनएम्बिग्यूस होना चाहिए। रैंकिंग फॉर इम्पॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी, द SRS इज रैंक फॉर इम्पॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी इफ ईच रिक्वायरमेंट इन इट हैज़ एन आइडेंटिफायर टू इंडिकेट आइदर द सिग्निफिकेंस और स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स आप जो SRS बन रहा है वो स्टेबल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्टेबिलिटी की, बार बार चेंजेस उसमें नहीं आना चाहिए। देन मॉडिफिएबिलिटी, मॉडिफिएबिलिटी का मतलब होता है कि SRS जब बन गया तो अगर हम उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो इजी टू मॉडिफाई हो, उससे किसी दूसरी चीज़ों को ही अफेक्ट ना पड़े। वेरीफिएबिलिटी, वेरीफिएबिलिटी इज करेक्ट व्हेन द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट कैन बी वेरीफाइड विद अ कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम टू चेक वेदर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट्स दोस रिक्वायरमेंट। फाइनल सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो वेरीफिएबिलिटी चेक होती है कि हाँ ये वेरीफिएबल है, जो बोला गया था वो उसमें है। ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको वेरीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिव्यूज़। इस जो भी रिव्यूज़ मिलते हैं यूज़र्स के कि ये कैसा है, सही है, गलत है, तो उससे हम वेरीफाई करते हैं कि एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर बना है या नहीं। डिज़ाइन इंडिपेंडेंस, देयर शुड बी एन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मल्टीपल डिज़ाइन अल्टरनेटिव फॉर द फाइनल सिस्टम। मोर स्पेसिफिकली द SRS शुड नॉट इंक्लूड एनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन में उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए मल्टीपल डिज़ाइंस के ऑप्शन आते हैं, फाइनली डिसाइड करना कि कौन से डिज़ाइन को लेके हमारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है या तैयार किया जाएगा, उसके लिए इंडिपेंडेंस मतलब छूट होनी चाहिए। जो भी डेवलपर बना रहा है उस डिज़ाइन में कोई कंस्ट्रेंट नहीं आना चाहिए। देन टेस्टेबिलिटी, एन SRS शुड बी रिटर्न इन सच अ मेथड दैट इट इज सिंपल टू जनरेट टेस्ट केसेस एंड टेस्ट प्लान्स फॉर द रिपोर्ट। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिप्लॉयमेंट करने से पहले उसके टेस्टिंग किया जाता है। कई प्रकार की टेस्टिंग होती है, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पेपर में पढ़ा होगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चेक करती है, जिसके लिए टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं और टेस्ट प्लान बनाए जाते हैं। तो हमारा जो SRS हो उसमें टेस्टेबिलिटी के लिए भी ऑप्शन दिखने चाहिए कि वो आगे अगर टेस्ट करना है तो उसके टेस्ट प्लान्स क्या होंगे। ट्रेसेबिलिटी, वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू अ डिज़ाइन कंपोनेंट एंड देन टू अ कोड सेगमेंट इन द प्रोग्राम। सिमिलरली वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू द करस्पॉन्डिंग टेस्ट केस। जैसे आपको पहले पॉइंट नंबर 9 में टेस्टेबिलिटी मीन्स कि टेस्ट कैसा होगा, टेस्ट केस क्या होगा, उसका टेस्ट प्लान क्या होगा, तो हर एक टेस्ट केस के लिए हम ट्रेस कर सके उसके रिक्वायरमेंट को कि इसके टेस्ट अगर टेस्टिंग होगी तो उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, उसकी ट्रेसिंग पहले से की जा सके। ट्रेसिंग करने के दो मैथड हैं, बैकवर्ड ट्रेसिंग एंड फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी। बैकवर्ड होता है, दिस डिपेंड्स अपॉन ईच रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली रेफरेंसिंग इट्स सोर्सेज इन अर्लियर डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लिसिटली कैसे वो डिपेंड कर रहा है उसको निकालना और उसकी रिक्वायरमेंट को बताना। फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी, दिस डिपेंड्स अपॉन ईच एलिमेंट्स इन द SRS हैविंग अ यूनिक नेम और रेफरेंस नंबर। हर एक रिक्वायरमेंट का एक यूनिक नेम और एक रेफरेंस नंबर होगा। द फॉरवर्ड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द SRS इज स्पेशली क्रूशियल
when the software product enter the operation and maintenance phase. अगर वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फेज में या ऑपरेशन फेज में है तो उसको ट्रेस करना थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, टफ हो जाता है. अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो भी चीज़ हम किसी के लिए बनाएं और उसी को समझ में ना आए तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा. इसीलिए वो सॉफ्टवेयर ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एंड यूज़र को, जिसको हो सकता है कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो और थोड़ी सी समझ बस रखता हो तो भी वो सिस्टम को ईजिली ऑपरेट कर सके. देन राइट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस. एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है कि वो टफ चीज़ें हाइड कर दी जाए यूज़र से जो उसके मतलब की नहीं है. तो ऐसा एक SRS जिसमें क्या क्या पार्ट जो उसके मतलब का नहीं है वो हिडन लेवल पे रहे. तो एब्स्ट्रैक्शन का लेवल क्या होगा वो तैयार किया जाता है, SRS में बताया जाता है. तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS. आगे हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ SRS. SRS के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट में फर्स्ट कंपोनेंट है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई व्हाट आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन इनपुट्स. जो भी इनपुट दिया गया है उसका फाइनल आउटपुट क्या होगा ये बताया जाता है. सो दे बेसिकली डिस्क्राइब द कनेक्टिविटी बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम. इनपुट क्या होगा उसी पे आउटपुट डिपेंड करता है, नेचुरल है. तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट टोटली बेस्ड ऑन इनपुट्स, जिसमें कवर होता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द डेटा इनपुट्स एंड देयर सोर्सेस, द यूनिट्स ऑफ मेजर एंड द रेंज ऑफ वैलिड इनपुट्स. नेक्स्ट पॉइंट में ऑल द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द इनपुट. डेटा ऑब्टेन्ड बाय द आउटपुट शुड बी स्पेसिफाइड, उस पर परफॉर्म होने वाले सारे ऑपरेशंस. देन केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू स्पेसिफाई एनी एल्गोरिथम दैट आर नॉट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम बट दैट मे बी नीडेड टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम. ऐसे एल्गोरिथम जिसकी आवश्यकता हो सकता है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे पर वो उसका कोई यूज़ यूज़र को ना हो तो ऐसे एल्गोरिथम उसके कंपोनेंट में आवश्यक नहीं है डालना. इट शुड स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम फॉर इनवैलिड इनपुट एंड इनवैलिड आउटपुट. सिस्टम इनवैलिड इनपुट और इनवैलिड आउटपुट के अगेंस्ट में बिहेवियर शो करना चाहिए. सेकेंड कंपोनेंट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नॉन फंक्शनल necessities accommodate the characteristics of the system which may not be expressed as functions. ऐसी चीज़ें जो function में नहीं आती हैं वो non-functional होती हैं, जैसे maintainability, reliability, accuracy. और ये चीज़ें functional requirement से भी tough होती हैं. functional requirement में तो पहले बता दिया जाएगा कि हाँ ये hardware requirement है, software requirement है. but आप reliability check करना, एक्यूरेसी चेक करना, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस इश्यूज कैसे आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना, कंस्टेंट क्या है, ये सारी चीज़ें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आती हैं. ये भी SRS का एक कंपोनेंट होता है. गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. द गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पार्ट डॉक्यूमेंट सम जनरल सजेशंस रिलेटिंग टू डेवलपमेंट. फाइनली उस जो हमारा गोल है कि ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो अचीव होना चाहिए, तो उसके लिए कुछ सजेशन अगर होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट में दिए जाते हैं. द गोल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन वुड पॉसिबली डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम लाइक रिविजन टू द सिस्टम फंक्शनैलिटीज दैट विल बी नीडेड विद इन द फ्यूचर, न्यू डिवाइसेज टू बी सपोर्टेड विद इन द फ्यूचर, रीयूजबिलिटी प्रॉब्लम एटसेट्रा. फ्यूचर में वो सॉफ्टवेयर रीयूजेबल होगा कि नहीं होगा, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स अगर आई तो वो सॉल्व कैसे होंगी, ये सब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये मोस्ट लाइकली थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होता है बट ये SRS में इसको डिफाइन किया जाता है. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या स्पीड रिक्वायरमेंट. दिस पार्ट ऑफ एन SRS स्पेसिफाई द परफॉर्मेंस कंस्ट्रेंट ऑन द सॉफ्टवेयर सिस्टम. All the requirements related to the performance characteristics of the system must be clearly specified. उस software के performance से संबंधित जितनी भी requirement होती हैं वो सभी clearly specified होनी चाहिए. Design constraints.
द क्लाइंट एनवायरमेंट मे रेस्ट्रिक्ट द डिज़ाइनर टू इंक्लूड सम डिज़ाइन कंस्ट्रेंट दैट मस्ट बी फॉलोड. क्लाइंट प्लेटफॉर्म जो होता है, क्लाइंट चाहता है कि उसको डिज़ाइन इसी प्रकार का चाहिए, इंटरफेस ऐसा ही दिखना चाहिए, तो वो कंस्ट्रेंट होने चाहिए कि अल्टीमेटली वो जो बन रहा है प्रोडक्ट वो यूज़र के लिए बन रहा है, क्लाइंट के लिए बन रहा है, तो क्लाइंट का जो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है वो फॉलो होना चाहिए. स्टैंडर्ड कंप्लायंस, इट स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट फॉर द स्टैंडर्ड द सिस्टम मस्ट फॉलो. जो भी आपका यूज़र है, क्लाइंट है, वो जो चाह रहा है रिक्वायरमेंट उसको फॉलो होना है, कंप्लीट होना है. द स्टैंडर्ड में इंक्लूड द रिपोर्ट फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स. हो सकता है इसमें कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट में भी मिले, तो इन सब चीज़ों को एक स्टैंडर्ड कंप्लायंस प्रोवाइड करना होता है. सिक्योरिटी, करंटली सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हैव बिकम एसेंशियल एंड मेजर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टम. किसी भी प्रकार के सिस्टम हम डेवलप करने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑथराइजेशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो सभी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ सर्टेन कमांड्स, कंट्रोल एक्सेस टू डेटाबेस, प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सेस. उस सॉफ्टवेयर को कौन एक्सेस करेगा, कुछ कमांड्स, सिक्योरिटी कमांड्स क्या होंगे, कंट्रोल एक्सेस क्या होंगे, पासवर्ड क्या होगा, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक कौन सी यूज़ होगी, ये सारी चीज़ों को सिक्योरिटी में देखा जाता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है, हाउ टू मैनेज दैट रिक्वायरमेंट्स इज द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटिंग, एनालाइजिंग, ट्रेसिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड एग्रीइंग ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड देन कंट्रोलिंग चेंज एंड कम्युनिकेटिंग टू रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स. इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने तक ये प्रोसेस चलती रहती है. ये क्या रिक्वायरमेंट है जिसमें एनालाइज किया जाता है, ट्रेस किया जाता है, उसकी प्रायोरिटी चेक की जाती है, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आती है. जनरली द प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बिगिंस एज सून एज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल. जैसे ही रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है ये प्रोसेस चालू हो जाती है. परंतु सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस पार्ट वन के लेक्चर में कम्प्लीट किया गया है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इनेबल द डेवलपमेंट टीम टू आइडेंटिफाई, कंट्रोल एंड ट्रैक रिक्वायरमेंट्स एंड चेंज दैट ऑकर एज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोग्रेस. एडवांटेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज इन द रिक्वायरमेंट, स्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप अमंग स्टेक होल्डर्स एंड इन्वॉल्विंग देम इन द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट एट्रीब्यूट्स, बेटर कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट. दिस प्रोवाइड द डेवलपमेंट टीम विथ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट, वैन एंड वाई द सॉफ्टवेयर इज टू बी डिलीवर्ड. सॉफ्टवेयर को कब, कैसे, कहाँ डिलीवर करना है, बनाना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी. इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर क्वालिटी. दिस एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट टू एनहेंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी. दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन द डेवलपर एंड टेस्टर हैव अ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू डेवलप एंड टेस्ट. अगर जो डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, पहले से डिसाइड कर लें कि क्या डेवलप होगा, क्या टेस्टिंग होगी, तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं. सबसे मेन पर्पस रहता है जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, या एश्योर करना कि उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अप टू द मार्क रहे. रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड डिले. दिस मिनिमाइजिंग एरर्स अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल एज इट इज़ एक्सपेंसिव टू फिक्स एरर एट द लेटर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल. स्टार्टिंग से ही अगर एरर पता चल जाए तो बहुत हद तक की कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है और डिले को हटाया जा सकता है. क्योंकि जब भी सॉफ्टवेयर का एग्रीमेंट होता है तो उसका डिलीवरी टाइम, डेडलाइन टाइम भी फिक्स किया जाता है. अगर उस टाइम से ऊपर आपने डिलीवरी करी तो उसमें सम फाइन भी आपको पे करना होता है. इम्प्रूव टीम कम्युनिकेशन. दिस फैसिलिटेट्स अर्ली इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर्स टू एंश्योर दैट देयर नीड्स आर अचीव्ड.
जो भी उनकी नीड्स हैं वो अचीव हो रही हैं, इस चीज़ को इसमें ध्यान रखा जाता है। ईजिंग कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन, दिस एंश्योर दैट स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व विद सॉफ्टवेयर कंप्लायंस एंड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का थॉरली समझना इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द IEEE स्टैंडर्ड्स फॉर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। IEEE स्टैंडर्ड्स इज द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सर्टिफाइड अगर होते हैं किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो अश्योर करता है कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। इस प्रकार से IEEE जो होता है वो भी एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। द मोस्ट वाइडली नोन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड इज IEEE ANSI। ANSI आप जानते हैं, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। किसी भी IEEE स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें कवर होनी चाहिए, तो उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए, लाइक पर्पस ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, डेफिनेशन, एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस, रेफरेंसेस, ओवरव्यू ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेगा। जनरल डिस्क्रिप्शन, जनरल डिस्क्रिप्शन में रहेगा प्रोडक्ट परस्पेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शन, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कंस्टेंट्स, अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज। मतलब वो सारी चीज़ें कि यूज़र क्या चाह रहा है, कंस्टेंट क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या फंक्शन करेगा, क्या सर्विसेज देगा, ये सारी चीज़ें। देन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पर्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है क्या, तो वो देखा जाएगा। कवरिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट, अपेंडिसेस एंड इंडेक्सेस। इट इज़ अ जनरल फ्रेमवर्क दैट कैन बी टेलर्ड एंड अडॉप्टेड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड जनरेटेड टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की नीड को कैसे फुलफिल करता है उसको इसमें इंक्लूड करते हैं। फाइनली एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल रूप से इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्या है। All the possible interaction of the software with people, hardware and other software should be clearly specified. जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो स्टार्टिंग में ही क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी स्पेसिफाइड। द SRS शुड स्पेसिफाई द लॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट फॉर हार्डवेयर इंटरफेसिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको यदि इसमें से कुछ भी क्वेरी करनी होगी, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।